तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर न्यू व्लॉग। और आज का व्लॉग बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है क्योंकि आज का व्लॉग हम लोग शुरू कर रहे हैं रात के साढ़े बारह बजे। मैं क्यों स्टार्ट कर रही हूँ, वैसे तो मैं व्लॉग ने बनाने वाली थी, फिर मैंने सोचा कि नहीं, अपनी यूट्यूब फैमिली को दिखाएंगे नहीं वो चीज़, तो वो लोग रिलेट कैसे कर पाएंगे। पहले इस पर कर लो फोकस, इस हीरो पे कर लो फोकस। हीरो हेलो हेलो। तो मैं बताते हैं हम लोग ब्लॉग क्यों बना रहे हैं, क्योंकि हम लोग कर रहे हैं रात के 12 बजे दिवाली की साफ सफाई। वैसे तो इस लड़की ने दोनों हमारे रूम कंप्लीट हो चुके हैं। और 12 बजे क्यों हो रही है, क्योंकि ये महारानी जॉब से 9:30 बजे और हम अभी चाय वगैरह पी के लगे हुए हैं पूरी एनर्जी से। तो मेरी बोलने से बिल्कुल एनर्जी नहीं लगेगी, बट अंदर एनर्जी है। हाँ, मैं आपको दिखाती हूँ मैं साफ क्या कर रही हूँ। चलो, तो ये रहा जो सब कूड़ा फैला है इस लड़की ने, और पूरा ये बाहर की तिजोरी हम लोग साफ कर रहे हैं। और तेरे को लग रहा है मैंने इधर गाने लगाए हैं, स्पीकर बंद है, पीछे पता है बहुत घटिया स्पीकर है, बिल्कुल मजा ही नहीं आ रहा है वो। प्लीज ना नहीं। और ये देखो हमारी देसी अलमीरा जो खुली है। आजकल की अलमीरिया पता है ढक्कन वाली वो आती है, गेट वाली आती है, पर ये वाली अलमीरा हमारी खुली है। देखो कितनी अच्छी है हमारी अलमीरा, देसी जुगाड़। तो चलो मैं काम कर लेती हूँ, थोड़ा थोड़ा आपको दिखाऊंगी। तो फाइनली हलीन ने क्लीन कर दिया सारा, सिर्फ सब रह गया है तो एक ये कर्टन रह गया जो कि काफी ज्यादा मैला है, बट चलेगा। एक दो दिन में हम जब मॉल जाएंगे तो ये कर्टन भी चेंज हो जाएगा। बाकी क्लीनिंग तो बहुत बढ़िया तरीके से हुई है, देखो सब चीज वेल ऑर्गेनाइज्ड है, डिटर्जेंट्स वगैरह यहाँ है, ये कुछ काम का सामान है। हमारी अलमीरा ही खुली है तो क्या कर सकते हैं, ये न्यू फैशन की अलमीरा है यार, ऐसी कहीं नहीं मिलेगी, ढूंढने पर भी नहीं मिलेगी। तो हम हैवी एंटीक लोगों के पास ना, तो ले जाओ बच्चे को। और काम करने में कितना टाइम लग गया, 2 घंटे, तो पूरे 2:30 बज चुके हैं। चलो बेटा जाओ। ये बच्चा ना पानी में चलता फिर, देख अभी पोछे लगाए, देखिए छिच्छू ले जाए यार। चल बेटा छिच्छू कर कर। और इस लड़की ने आई, मम्मी कैसी लगी साफ सफाई? बहुत बढ़िया, बहुत मेहनत करी है पर मम्मी अच्छा लगा। इतने दिन से मुझे टोन मार रही थी कुछ काम कर ले, आज किया तो कुछ बोलेगी नहीं। और पता हाँ, और पता मैंने अपने रूम में पूरा दिवाली का टच दे दिया है, मैंने पूरा एक बल्ब लगाया है जो कि ऐसे लाइटिंग कर रहा है। हाँ, और ये लाइटिंग वाला बल्ब बहुत ज्यादा मस्त लग रहा है, रात को देखो अच्छी वाइब आएगी तो अच्छे से सो पाएगी। तो अभी चलते हैं, इस व्लॉग को यहीं एंड करते हैं, फिर कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट व्लॉग। हम रोज जितना काम कर रहे हैं उतना तो थोड़ी थोड़ी क्लिप हर एक व्लॉग में डाल रहे हैं, तो आप लोग हमारा व्लॉग जरूर देखें। तो हेलो फ्रेंड्स, वापस से आप सबका स्वागत है हमारे न्यू व्लॉग में। सो आज का व्लॉग भी हम लोग साफ सफाई के साथ ही स्टार्ट कर रहे हैं। अभी बजे हैं 2:00 PM, मैं अभी जॉब से आई हूँ, तो मैंने इसको साफ सफाई करते देखा तो मैंने कहा क्यों ना व्लॉग बनाया जाए। वैसे भी उस दिन व्लॉग बहुत थोड़ा बना था। सो आज ये वापस से इस रूम की थोड़ी सी डस्टिंग कर रही है, क्योंकि थोड़ी सी नहीं आधे से ज़्यादा कर दी थी अभी धीरे धीरे, कंप्यूटर वाला भी। हाँ, ये सब तूने किया बट मैंने भी तब साफ किया था, बट फिर से मिट्टी आ गई क्योंकि हम लोग ये विंडो खुली रखते हैं, तो आज ये वापस से चढ़ चढ़ के एक एक चीज़ साफ करेगी। बस अभी मैं नहीं करूँगी दिवाली से बाद। हाँ, दिवाली के बाद ही होगी अभी, ये 2-3 दिन है ना उसको हम साफ सफाई में लगा देते हैं, क्योंकि उसके बाद हम लोग बिजी हो जाएंगे, मेहंदी भी लगवानी है। तो मैं अपना थोड़ा वीडियो का काम कर लेती हूँ, मैंने कल ब्लॉग पोस्ट कर दिया, आप जाके देखिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और उसको लाइक कीजिए। ये व्लॉग की स्टार्टिंग मैं कर रही हूँ, वो भी रात के 10 बजे, आप टाइम देख सकते हो। वो भी क्यों कर रही हूँ, क्योंकि आज लास्ट दिन है मेरा साफ सफाई का, जो कि मैंने पहले भी आपको व्लॉग्स में बताया है, मैं सबसे लास्ट में करूँगी हॉल, क्योंकि लास्ट तक रहना चाहिए क्लीन, क्योंकि यहीं अगर गेस्ट वगैरह आएंगे तो यहीं बैठेंगे। तो बस अभी ये सब क्लीन करना है, पूरे कैबिनेट्स क्लीन करने हैं, वो कैबिनेट्स क्लीन करने हैं, तो मुझे बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। दीदी मम्मी गई हैं दिवाली की शॉपिंग करने, जो कि दीवे वगैरह लेके आते हैं नॉर्मली, तो बस स्पीकर अभी थोड़ा रेस्ट कर रहा है, उसी टाइम का फ़ायदा उठाती हूँ। मैं भी थोड़ी सी साफ सफाई कर लेती हूँ, ब्लॉग तो मुझसे ज़्यादा बनेगा नहीं क्योंकि और कोई ब्लॉग बनाने वाला है नहीं, बट काम भी इतनी जल्दी होने वाला है नहीं, तो ब्लॉग ज़्यादा लंबे देर तक बनेगा, तो ब्लॉग में बने रहें। तो फाइनली साफ सफाई करते करते मुझे बच चुके हैं पूरे 2:30, अभी भी थोड़ी सी साफ सफाई बाकी है, और आप हमारे रूम का हाल देख सकते हो, मतलब पूरे हॉल का हाल ही देख सकते हो कैसा हो गया है। अभी भी मैंने काफ़ी सामान सेट कर दिया, बट ये चीज़ें आप देख सकते हो कितनी नीट एंड क्लीन लग रही हैं, और लग रहा है सच में दिवाली की साफ सफाई हुई है। आप देख सकते हो एक एक चीज़ साफ कर करके रखी है, और सच में जो साफ सफाई दिवाली में होती है ना, वैसी साफ सफाई मतलब नॉर्मल डेज में करने में मज़ा नहीं आता है। और आज दीदी और मम्मी मिलके ना ये सामने लाइटिंग लेके आए, बहुत मस्त लग रही है, मैंने अपने आप डेकोरेट किया है। हाँ, मुझे उस बाद में चल के दिखाऊंगी, क्योंकि अभी बहुत मैसी हो गया घर, ये देखो नीचे कचरा, पूरा सोफा भी कचरा बन गया। अभी मैं आपको झाड़ू वगैरह लगाने के बाद ही मिलती हूँ।